सूर्य आराधना के महापर्व छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए आरपीएफ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके संबंध में गोरखपुन्नी से विशेष बात करते हुए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि छठ पर्व के मद्देनजर जिन जिन स्टेशनों पर घटनाओं की सूचना मिलती रही है उन स्टेशनों पर स्पेशल टीमें लगा दी गई हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए रिजर्वेशन सिस्टम पर पूरी नजर है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के आगमन के हिसाब से यात्रियों को बैठाया गया है, जिससे कोई भगदड़ ना मच सके। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, छठ का पर्व होता है उसकी हमारी मॉनिटरिंग और मीटिंग जो है बोर्ड लेवल पे हो गई है। उसमें है कि हम लोगों ने उन जगहों को चिन्हित किया है जहाँ जहाँ पे ज़्यादा क्राउड जिन स्टेशन पे होती है, और उनके लिए हमने एडिशनल जो है वो आरपीएसएफ जो हमारी रिजर्व बटालियन है उसको हम लोगों ने जो है वो बढ़ाया है। और जैसा हमने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है उसको पर हमारी पूरी नज़र है कि कहीं पर उसको लेके जो है वो समस्या नहीं हो। उसके अलावा जो है वो रेलवे बोर्ड के लेवल पे एडिशनल ट्रेन्स चलाए जा रहे हैं, एडिशनल कोचेज दिए जा रहे हैं, जहाँ पिछले सालों में जहाँ जहाँ जैसे डिमांड थी उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और जो बड़े स्टेशन हैं खासकर जहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, दिल्ली से लोग इस तरफ आते हैं, तो दिल्ली के सभी स्टेशनों पर एक स्कीम बनाया गया है कि जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है उस एरिया में पहले पैसेंजर को रखते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का ट्रेन जो है 4 घंटे बाद आने वाला है, वो प्लेटफॉर्म आके बैठ गया, और जो अभी जाने वाला है तो फिर उसके बाद जहाँ होता है तो धक्कम धुक्की हो जाती है, तो उसको हम लोग मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि जिसका ट्रेन लेट से है उसको सर्कुलेटिंग एरिया में बिठाएं, जिसका आधे घंटे में आने वाला है उसको प्लेटफॉर्म पर जाने दें। और एक जो जनरल प्रिकॉशंस हमारे रेलवे के होते हैं कि लास्ट मोमेंट में हम प्लेटफॉर्म चेंज ना करें, लास्ट मोमेंट में जो भी करें हम पूरी तरह से सूचना दे के रखें, तो ये सारा एक्सरसाइज जो है वो हम लोगों ने किया है। और ये पूरा छठ के सीजन में इस सारी सावधानियों को जो है वो रखा जाएगा। कई बार होता है कि जो हमारा FOB होता है, फुट ओवर ब्रिज है या पुल है हमारा, वो कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे उसमें लोग 4 आदमी सो रहा है, वो एकाएक ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे सारी पेट्रोलिंग और ये सारी बताई गई है कि उसको पूरा का पूरा क्लियर रखा जाए ताकि उन सारी जगहों पे कहीं पे जाम नहीं हो। और उसके बाद जहाँ जहाँ CCTV कैमरा है वहाँ हमारे लोग हमेशा नज़र रखा था कि जहाँ कहीं भी प्रेशर पॉइंट बनने लगता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, पूरे वहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट लगता है कि यहाँ प्रेशर बन रहा है, इमीडिएटली लोग वहाँ रश करके पहले से ही जाके जो है फोर्स लग के उस एरिया को क्लियर कराते हैं। तो एक पूरे स्कीम के तहत जो है ये पूरे छठ पर्व में जो भीड़ होगी उसको क्लियर करने का प्रयास किया।